गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हियर विद यू विद अवर थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. हम लोगों ने अपनी जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें फिजिकल चेंज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था. साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं, क्या क्या केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं. तो एक बार फिर से बहुत ही जल्दी से हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होते हैं. सो व्हाट आर फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे. फिजिकल चेंज के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो फिजिकल चेंज होता है फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. साथ में ये भी बताया था मैंने आपको कि जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? इट इज़ टेम्पोरेरी. इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इट इज़ रिवर्सिबल. और एग्जांपल्स थे फिजिकल चेंज के, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सो देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स. मतलब आपने वाटर को फ्रीज किया, वो आपका फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आइस आपकी टेम्प्ररी है. अगर आप इसको हीट मिलेगी तो ये वापस से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. इसके अलावा अगर आप वाटर को बॉईल करते हो देन इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब आप इसको कंडेंस करोगे देन यू विल अगेन गेट वाटर, आपको वापस से वाटर मिल जाएगा. इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कोई कांच है, ग्लास है आपका, गिरा, टूट गया, कई सारे टुकड़े हो गए, लेकिन टूटने के बाद भी देर आर नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन सारे के सारे पीसेस हैं वो हैं किसके? वो ग्लास ही तो है. या फिर कोई नया सब्सटेंस बन गया? नहीं, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, वो सेम ही है, वही सब्सटेंस है आपका. क्या? ग्लास. आप दोबारा से उसको फैक्ट्री वगैरह में प्रोसेस करके दोबारा से वही ग्लास आप दोबारा से उसको बना सकते हो. वही मैंने आपको केमिकल चेंज जो बताया था, केमिकल चेंज में मैंने बताया था न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में आपका जो रिएक्शन होती है उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है आपका. इसके अलावा इट इज परमानेंट चेंज. ये कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज मींस जो भी नया सब्सटेंस आपका बना उससे आप वापस से प्रीवियस जो पहले वाला सब्सटेंस था उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट इज परमानेंट चेंज एंड इट इज इरिवर्सिबल चेंज. जैसे आप फिजिकल चेंज में वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर आप कर ले रहे थे, ऐसा आप केमिकल चेंज में नहीं कर सकते. इट इज इरिवर्सिबल. एग्जांपल्स मैंने बताए थे कई सारे आप लोगों को, तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है इसके, पहले हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है? जब आप मैग्नीशियम के रबर बैंड को, कोई बैंड है आपका, रिबन है, और वो मैग्नीशियम का अगर आपका बना हुआ है, अगर आप उसको बर्न कर रहे हैं, अगर उसको आप जला रहे हैं,
क्या होगा? वो जलने के बाद मैग्नीशियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम वापस से अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वी कैन नॉट गेट बैक मैग्नीशियम, दोबारा से मैग्नीशियम हमको नहीं मिल सकता. सो दिस इज केमिकल चेंज. इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. बहुत ही ईजी और सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए वो यही है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. घर पर मिल्क से कर्ड बनाते हैं, मतलब दूध से दही बनाया जाता है. सो ये भी क्या है, एक आपकी केमिकल चेंज है. तो इसमें आपको दूध से दही मिल रहा है, क्या वापस से दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज वॉट केमिकल चेंज, मतलब दूध से जो दही बन गया वो परमानेंट है, अब दही बन गया, अब उसको आप वापस दूध नहीं बना सकते. इट इज इरिवर्सिबल, है ना, इट इज परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल. और एक नया सब्सटेंस बना है, क्या बना है? दही, कर्ड. ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज और इसके एग्जांपल्स भी क्या क्या है. डिफरेंसेस, इसके साथ साथ आपको डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे. मैंने अभी आपको ये समझाया है तो डिफरेंस की फॉर्म में ही समझाया था, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो. डिफरेंस की फॉर्म में समझाया था तो यही आपके डिफरेंसेस भी हैं. उसके बाद जो हमारे पास आता है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा कि कोई लोहे की चीज़ है या लोहे का गेट है या लोहे की कोई भी चीज़ है, उस पर कुछ टाइम बाद जंग लगना शुरू हो जाती है. वो जंग यही है, रस्ट. आयरन मतलब लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, उस पर जो रस्ट जंग लगना शुरू हो जाती है उसको रस्टिंग बोलते हैं. ये रस्टिंग होती कैसे? आयरन क्या करता है आपका? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी अगर आयरन को एयर मिल जाए और उसको क्या मिल जाए साथ में, वाटर अगर मिल जाए यानी नमी मिल जाए एटमॉस्फेयर की, तो आपका वो रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद वो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है. क्या बना लेता है? आयरन का ऑक्साइड. और वही आयरन का ऑक्साइड आपका जो होता है वो रस्ट की फॉर्म में उस आयरन के ऊपर रेड, ब्राउनिश रेड, आपने देखा होगा ब्राउन रेड कलर सा जो होता है वो आपका फेरिक ऑक्साइड होता है. वो फेरिक ऑक्साइड आपका, या आयरन ऑक्साइड उसको बोल देते हैं, वो आपका उस पर जमा हो जाता है. सो रिएक्शन उसमें किस तरीके से होती है आपकी? सो देखें जरा, रिएक्शन देखते हैं. आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, ये आयरन आपका क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको मिल गई एयर, एयर से इसने ऑक्सीजन ले ली और साथ में इसको मिल गया वाटर. हमारी एयर में भी मॉइस्चर होता है, वहाँ से भी इसको वाटर मिल सकता है, या फिर कोई आपका जो आयरन है वो कहीं वाटर में एक्सपोज हो रहा है तब भी वो वहाँ से भी वो ये ले सकता है. और इसके बाद जब आपका रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मिलता है Fe2O3. यही आपका रस्ट है. ये क्या है? रस्ट. और इसका कलर कैसा होता है? ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश रेड, या फिर रेड इज ब्राउन कह सकते हो. ठीक है, तो ब्राउनिश रेड हमको कलर जो मिलता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, तो ये आपने देखा होगा ब्राउन कलर का एक जंग सी लग जाती है. तो ये रिएक्शन होती है, आयरन ऑक्सीजन वाटर साथ में रिएक्ट करते हैं. और ये भी कैसा है आपका? एक केमिकल चेंज है. ये कैसा है आपका? केमिकल चेंज, मतलब कि एक बार अगर आपका रस्ट लग गई, अगर आपका उस पर जंग लग गई, तो आप वापस से आप आयरन फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल, परमानेंट, यानी एक बार जंग लग गई तो वो जंग लग गई. अब ये जो रस्ट है
इस रस्ट को रोकने के भी बहुत से तरीके होते हैं. वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाई सम मैथड्स. देर आर सम मैथड्स बाई विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. सो मैथड्स टू प्रिवेंट रस्ट, टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो आप देखें इसके मेथड क्या क्या हैं. आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका लोहे की चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लोहे का गेट है, तो आप उस पर पेंट कर सकते हैं. सो बाय पेंटिंग, पेंट करके क्या होगा कि उस लोहे को एयर नहीं मिलेगी डायरेक्टली, वाटर नहीं मिलेगा, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी. इसके अलावा बाय ऑयलिंग, आप उस पर ऑयल लगा सकते हैं. ठीक है, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग. सो दीज आर सम मेथड्स. और इसके अलावा हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उसको पानी कम से कम मिले और वो पानी के कॉन्टैक्ट में कम से कम आए, जिससे उस पर रस्ट कम हो. सो देर आर सम मेथड्स, दीज आर सम मेथड्स सो बाई विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. सो रस्ट क्या होती है तुम्हारी, हमारी रस्ट होती है वैन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. सो दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने आपको समझाया. अब मैं आपको रस्ट की डेफिनेशन लिखवाता हूं. वॉट इज रस्ट? सो वेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर सम टाइम, फॉर कंसिडरेबल टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, कंसिडरेबल जितने टाइम में उसमें जंग लग सकती है, कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. मतलब जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को किसी डैम्प एयर में या किसी मॉइस्चर वाली एयर में या वाटर में अगर हम कुछ समय तक या काफी समय तक अगर हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है. उस रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट. क्या बोलते हैं, रस्ट. एंड दिस प्रोसेस यानी जो ये प्रोसेस हुई पूरी की पूरी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं. वो प्रोसेस जिसमें रस्ट लगती है उसको रस्टिंग कहते हैं. सो समझ गए होंगे आप लोग कि रस्टिंग क्या है और किस तरीके से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं. रस्टिंग करती क्या है तुम्हारी, रस्टिंग जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डैमेज कर देती है, उनको खराब कर देती है. सो मैंने आपको कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए थे. सो उस मेथड्स में मैं इसको बोर्ड पे भी लिख देता हूँ मेथड्स को. आई होप कि आपने डेफिनेशन भी नोट कर ली होगी रस्टिंग की. सो नेक्स्ट इज How do we prevent rusting of iron?
अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है अगर आपका, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, कि हम आयरन की रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो आयरन की रस्टिंग को रोकने के मैंने आपको बताया था कि क्या, पहला मेथड जो है, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है हम उसको क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उसको हम पेंट कर सकते हैं। सेकंड, हम उस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। यानी जो भी हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर हम ऑयल लगा सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस या फिर ऑयल अप्लाई हम उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड है रस्टिंग का रोकने का, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। उस थर्ड मेथड है हमारा गैल्वनाइजेशन। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन। ये गैल्वनाइजेशन होता क्या है? ये गैल्वनाइजेशन ये होता है कि जैसे कि अगर आपका कोई आयरन ऑब्जेक्ट है तो उस आयरन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आयरन के ऊपर बहुत जल्दी रस्ट आ जाती है, तो उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी या फिर टिन की कोटिंग मतलब उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दी हमने, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी या फिर उसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ा दी, उसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। क्योंकि टिन और ये जो जिंक वगैरह है जल्दी आपके इन पे रस्ट नहीं आती है। इसके अलावा रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अलॉयज लाइक स्टील। स्टील जो स्टेनलेस स्टील आता है हमारा, वी विल से स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील क्या होता है हमारा? स्टेनलेस स्टील हमारा एक अलॉय होता है। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मैनी अदर मेटल्स। उसमें हम कई सारे मेटल्स को मिक्स करते हैं और वो आपका एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें उनको सबको मिक्स करके हीटअप किया जाता है और फिर एक अलॉय बना है, जो एक बन के आता है, एक नया जो मटेरियल बनता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं घर में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो सब आपके स्टेनलेस स्टील के ही हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील पर रस्टिंग आपकी नहीं आती है। स्टेनलेस स्टील आपका बनता कैसे है? उसमें कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और तब हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। सो, आपने देखा कि किस तरीके से हम, क्या क्या हमारे पास मेथड्स है जिन मेथड्स के थ्रू हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो आप इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरीके से हम इनको, रस्टिंग को रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, और आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको प्रॉपरली उसको नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी साथ साथ मैं जो आपको पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप पर जो भेज रहा हूँ उन पीडीएफ से भी आप हिंट ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैं आपको वहाँ पर नोट्स के फॉर्म में भी बता रहा हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा ईजी रहेगा। सो स्टूडेंट्स जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप रिपीट करके भी दोबारा से बार बार देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो फॉर टुडेज़ क्लास थैंक यू।